नाजरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था, फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था, फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था, फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने
इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अन बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती
कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है,
उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी
कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा, तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया,
जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अन बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया, जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने
इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अन बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। खान बेगम मीरब को अपने घर से निकाल देगी तो अनवर अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, और जब मुर्तसिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, वो घर आकर सबसे पहले मीरब का पूछेगा। तो हया इस मौके से फायदा उठाएगी और मुर्तसिम को मीरब से बदगुमान करेगी। वो मुर्तसिम से कहेगी कि मीरब तो पहले ही चाहती थी कि तुम मर जाओ, इसलिए उसने तुम्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब जब तुम इतनी सीरियस हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे, तो वो तुम्हें छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई है। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम आज वापस आने वाले हो, वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से बदगुमान तो होगा, मगर बहुत जल्द अनवर मुर्तसिम को समझाएगा कि मीरब अब तुमसे मोहब्बत करने लगी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो क्या करती
कि उसे खान बेगम ने इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, तो उसे कोई तो सहारा चाहिए था। फिर मैं उसे अपने साथ ले गया। जो पल मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के, वो खूबसूरत पल हैं। तो नाजरीन, क्या मुर्तसिम मीरब को अपनी जिंदगी में एक और मौका दे पाएगा या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।